आज ABCD बताना चाहता हूँ आपके सामने, यो फ्यूचर आया ही नहीं। उनका बर्डन, बर्डन का अर्थ है असमाधि अर्थात संक्लेश, बैलेंस ऑफ माइंड दिस मीन कॉम्प्रोमाइज नेचर एंड समाधि। बैलेंस ऑफ माइंड के लिए आपको मैं की देना चाहता हूँ, एक छोटी सी की कभी भी प्रयोग करते रहना, जहाँ परिवर्तन संभवित नहीं है वहाँ स्वीकार कर लेना, यह है बैलेंस ऑफ माइंड। वेयर देर इज द नॉट पॉसिबल चेंज यू एक्सेप्ट इट। जहाँ भी परिवर्तन नहीं है वहाँ सीधा स्वीकार कर लो, सीधी बात, बैलेंस ऑफ माइंड, आई एम ओके। सामने वाला कुत्ता है नहीं, आई एम ओके, मैंने सोच लिया आई कांट डू एनीथिंग दिस, और फिर मैंने स्वीकार कर लिया है। सुबह से लेकर रात तक शायद तो मैं हम किसको मिलते नहीं है, मगर कोई समय लेकर के भी आ जाता है तो न मालूम एक प्रश्न उनके मन में आता है, गुरुदेव ये कब तक चलेगा। जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, कब तक ये प्रश्न जब मन में उठता है ना, तब इतनी बताता है कि हम अभी स्वीकार के लिए तैयार नहीं, इसलिए तो कब तक आया, गुरुदेव कब तक चलेगा ये। और मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये कोरोना कब तक चलेगा, आपके मन में सोच आती है तो भी इस सोच के रूट में क्या है, ये कब तक चलेगा ये तुम पूछते हो, इनके पीछे राज क्या है, मेरा बिजनेस कब शुरू करें होगा वो, या गरीब आदमी गरीबी से कैसे मुक्त होगा वो, आपके मन में जो सोच आती है वो किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, या छोटा आदमी जो घर में बंद हो चुका है, जिनका रोज का बिजनेस था वो सब खत्म हो गया, आपके मन में यदि ये भाव आता है कि गुरुदेव ये कोरोना कब खत्म होगा, वो आपके लिए या आपसे छोटे आदमी के लिए। हमारे पास दो शब्द है, दुखे दुखे, संस्कृत शब्द आपके सामने बोलना चाहता हूँ। बैलेंस ऑफ माइंड के लिए दो सूत्र जिनकी पर आपकी खोपड़ी में रख दो, नंबर एक दुखे दुखाधिकम पश्य, ये संस्कृत शब्द में इनका हिंदी कर रहा हूँ, दुखे दुखाधिकम पश्य, तेरे पे जब भी दुख आता है तेरे से अधिक दुखी को तेरे आंखों के सामने लाके रख दे। नंबर एक दुखे दुखाधिकम पश्य, गुरुदेव मुझे पैर में दिक्कत है, बाजू वाले का गुरुदेव कैंसर है, गुरुदेव मेरा बिजनेस में लॉस है, कई लोगों को तो गुरुदेव लॉस में ही बैठे, गुरुदेव मेरा बहुत बड़ा बिजनेस थे वो थोड़ा कम हो गया, कई लोगों को तो गुरुदेव रोटी मुंह में जाने का भी प्रश्न आ चुका है। सिर्फ छोटा सा प्रश्न, बैलेंस ऑफ माइंड, सामने वाला पूछे आपकी दुकान 4 महीने से बंद है, दुकान ही बंद है बाकी सब कुछ चालू है, कई लोगों का घर का चौका बंद हो चुका है, मैं उन लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, मगर मैं अनुमान कल्पना कर सकता हूं उन लोगों का क्या होता होगा, जो रास्ते पे चलने वाले लोग जो फेरी करते थे, जो मजूरी करते थे, उनका रोज का पैसा आता था, उन लोगों का क्या, मैंने कभी फोन से पूछा भी नहीं कि वो लोग कौन है, मैंने भी बता दिया 1000 सादरमी का एड्रेस तुम जल्दी पकड़ लेना ताकि 5000 रुपया भेज दो, ये क्या था दुखे दुखाधिकम पश्य, ये 50 लाख था वो 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक होगा वो, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मेरा दुख से भी ज़्यादा दुखी यदि है तो सबसे पहले उनके दुख को मैं दूर करूँगा, दुखे दुखाधिकम पश्य। सच बोलो आप किसको आंखों के सामने, बैलेंस ऑफ माइंड, हम हमेशा के लिए बहुत मजे में रहते हैं, इनका कारण दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, मगर अपने से भी ज़्यादा दुखी को आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब भी बारिश तेज होती है और कमरे में बंद संधारा में सोने का होता है, मगर तेज बारिश के हिसाब से कभी नींद उड़ भी जाती है ना, हार्डली मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहूँ, उसी टाइम बहुत गरीब लोग आंखों के सामने रात को भी याद आ जाते हैं, वो स्लम एरिया में रहने वाले का क्या होता होगा, ये छम के बारिश, चौपड़पट्टी में रहने वाले उनके पिताजी को शायद मलेरिया हो, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो, इनका बेटा बुखार में हो, और ये बारिश के बीच में उन लोगों का क्या होता, आई कांट डू एनीथिंग।
मगर आप पर दुखा में तब एक काम करो, दुखे दुखा अधिकम पश्य। आपका निश्चित तौर से मैं बताना चाहता हूं, दुख दूर नहीं होगा मगर संक्लेश 100% खत्म हो जाएगा।